अस्सलाम वालेकुम, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हैं कोफ्ते। उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार होगी वो हैं, सबसे पहले हमने लिया है कीमा जो कि 3 पाव है, और उसके साथ है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसमें साथ में हमने हरी मिर्ची ज्वाइन की हुई ग्रैंड किया है, और ये 2 अदद हैं प्याज, ये भी हमने ग्रैंड किए हैं, ये भी हमें मतलब कोफ्ते बनाने में डालने होंगे। और ये है चने का आटा जो आप देख रहे हैं, ये हमने ग्रैंड किया है, और इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा, 4-5 जो है वो लौंग डाले हैं, और काली मिर्ची और 1 बड़ी इलायची। बाकी ये है कि आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा आप खाना चाहते हैं मसाले वाले तो ये ले लें, आप ज़्यादा कर लें। चने को हमने ग्रैंड किया और ये 1/2 पाव है। ठीक है, चले अब हम शुरू करते हैं बनाना। 1 चम्मच लाल मिर्च और साथ कुटी हुई 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डालते हैं। अच्छा, उसके बाद साथ में हल्दी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी हम लोगों ने डालनी है, बिल्कुल कम, और साथ के साथ धनिया 1 चम्मच भी डालते हैं। हाँ, थोड़ी सी अजवाइन, और क्या है जिसमें नमक भाई का आप नमक ले लें। हमने इसे चने काटा, सबसे साथ साथ में मिलाते जाने, ये हरा धनिया है, ये हम गार्निश कर सकते हैं, और ये घी है, ये भी 1 चम्मच से ज़रा खस्ता गोले बनेंगे। ये जो ऑयल है थोड़ा सा अपने हाथों में से करेंगे, इससे सही बनेंगे, आप ये लेते थे। कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल देखिए आप, ये बिल्कुल गोल बिल्कुल बन चुके हैं। अब हम ये इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो ये सही जो है ना वो जुड़ जाएँ, बनाते वक्त टूटे नहीं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, सालन शोरबा वगैरह। चूँकि ये हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सब चीज़ें यहाँ पर तैयार करके रख ली हैं। सबसे पहले है ये प्याज है, हमने स्लाइस में काटा हुआ 4 अदद प्याज है, और ये टमाटर हैं 8 अदद टमाटर हैं जो हमने ग्रैंड कर लिए हैं, दरमियाने साइज के लिए कि आपने ग्रैंड करने हैं, और ये है 4 अदद प्याज है, ये हमने ग्रैंड कर दिया है क्योंकि इससे ज़रा मसाला जो है ना सही बन जाता है, और ये लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, ये हैं जनाब, ये है लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच,
और पिसा हुआ धनिया एक चम्मच, नमक हंसके जायका है, और उसमें आप आधी चम्मच कुटी हुई मिर्ची भी डालने में ज़्यादा मसाला करते हैं। तो दो इलायचियाँ हैं, चार पाँच काली मिर्ची है और तीन लौंग है और थोड़ा आधी चम्मच जीरा है। ये हमारी तस्वीरें तैयार होती हैं और ये हम अपना और ये हमने दो एक कप जो है तेल डाला है, उसमें हमने प्याज डाला है जो ब्राउन करके हम इसको निकाल देंगे। प्याज ब्राउन किया था, इसे हमने ग्राइंड कर दिया है। बनाए थे ये आप इसमें डाल लो पानी नहीं पड़ती डाल दें इसका ये हमारे खाना जायकेदार भी होगा और इसमें बरकत भी होगा। हमेशा जो भी खाना बनाना आप शुरू करें हर दफा जो है ना बिस्मिल्लाह। ये आप चमचा नहीं चलाना क्योंकि कोफ्ते टूट ना जाए, फिर उसको मिक्स करना है। मिक्स करके जब ये ऊपर नीचे हो जाएंगे फिर दोबारा हमें इस तरह से उसको रखना है थोड़ी देर और पकाना है।